हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। 8 अप्रैल 2022 आज का डेट है और आज का द हिंदू एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोटेशंस कवर करते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट आपके सामने है, लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। अगर आपके साथ कोई भी लोग नहीं दे रहे, जो आपका साथ नहीं दे रहे इस जर्नी को, इस जर्नी में आपके साथ नहीं चल रहे हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, तो कभी भी दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं तो कोशिश भी तुम्हें ही करनी होगी। ये सपने आपने देखे हैं तो प्रयास भी आपको खुद करना होगा। भले ही आपके साथ कोई हो ना हो, भले ही आपका कोई साथ दे या ना दे, भले ही आपको कोई इंकरेज करे या ना करे, आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको खुद को अपने आगे लेकर के चलना है। इस लक्ष्य में आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के इस जर्नी को आपको खुद में खुद जीना है। भले ही बाधाएं बहुत आएंगी, इस बाधाओं को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है, इसको फेस करते हुए चलना है, ताकि एक तरह से ये आपको एक एक्सपीरियंस देता हुआ चले, ताकि आपके जीवन में एक नया 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 आपको अनुभूति मिल सके, एक एक्सपीरियंस मिल सके, और आगे वाले टाइम पे जब आप सर्विस कर रहे हो तो ये एक्सपीरियंस आपका आने वाले टाइम पे भी आपका साथ दे सके। तो कभी मत दुखी मत होना, अपने आप में बस हिम्मत रखना। आपको अगर कोई हरा सकता है तो आप अपने खुद है, आप खुद अपने आप को हरा सकते हैं। तो अपने अंदर जो मनोबल बना हुआ है, जो हिम्मत है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आने देना, ठीक है। आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे मीटिंग चल रही है, जहाँ पे अगेंस्ट रशिया यहाँ पे वोटिंग चल रही है। और ऑब्वियस सी बात है, गेस कर सकते हैं भारत किसके साथ होगा, भारत क्या होगा उसी से रिलेटेड यहाँ पे, भारत किसका साथ देगा बताइए। क्या इन लोगों के कहने पे क्या भारत रशिया के अगेंस्ट में वोट करेगा? ये मीटिंग बेसिकली यहाँ पे किस लिए की जा रही है, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और चीज़ों को समझाऊंगा मैं ये वीडियो किससे संबंधित है। थोड़ा सा इस वीडियो को देखें, ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा देखें, आप लोगों को क्लियर होता हुआ चलेगा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ये वीडियो है बूचा शहर का, ठीक है। कहाँ पे है ये बूचा शहर? यूक्रेन में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नरसंहार हुआ है, यहाँ पे रशिया के मिलिट्री के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर जितने भी लोग, जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे चीज क्या है, ये सारे बॉडीज है। आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट व्यू आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, ये सारे लोकेशंस आप देखें किस तरीके से यहाँ पे आदमियों की यहाँ पे जान ली गई है रशियन मिलिट्री की तरफ से, जो कि एक दर्दनाक हादसा के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मसाकरे यहाँ पे किया गया, नरसंहार किया गया बूचा शहर में। कहाँ पे है ये बूचा शहर? ये शहर है आपका यूक्रेन में, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको लोकेशंस भी दिखा दूंगा, ये उसी लोकेशंस का ये आपका वीडियो है, आप देख सकते हैं। ऊपर सैटेलाइट व्यू से आप देख पा रहे होंगे, जगह जगह पे खाली बॉडी आपको देखने को मिल रही है बूचा शहर की, देख रहे हैं आप, हर जगह पे, हर 10 कदम पे आपको एक बॉडीज देखने को मिलेगी। एक क्या, आपको एक से ज्यादा बॉडीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नरसंहार यहाँ पे रशियन मिलिट्री के द्वारा यहाँ पे किया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे बॉडीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सारे बॉडीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइन से सारे यहाँ पे बूचा शहर में, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे मीटिंग की गई है अगेंस्ट रशिया सैंक्शन लगाने को लेकर के, जो कि जो भी हुआ, जो गलत हुआ रशियन आर्मी की तरफ से, रशियन मिलिट्री की तरफ से, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। बूचा शहर कहाँ पे पड़ता है? ये यूक्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूक्रेन आप देख सकते हैं, यूक्रेन में कीव जो कि यहाँ का कैपिटल है, उसी के बगल में ही आपको ये देखने को मिलेगा बूचा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकेशंस क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं आपको अर्थ मैप पे भी दिखा देता हूँ, गूगल अर्थ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। हमारा भारत से जब आप इधर की तरफ बढ़िएगा, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आप बिहार देख सकते हैं, बिहार से हम लोग इधर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गुजरात से गल्फ ऑफ कच्छ से निकल करके हम लोग अरब सागर से होकर के यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन से इंटर करते हुए जिबूटी, जिबूटी के बाद लाल सागर, याद रखिएगा लाल सागर, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, इधर गल्फ ऑफ स्वेज है, स्वेज नहर से होकर के भूमध्य सागर में हम लोग प्रवेश करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज टर्की, यहाँ पे आप टर्की देख रहे होंगे, टर्की यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ से हम लोग इंटर करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं एगन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एगन सी, एगन सी से हम लोग इधर प्रवेश किए, इधर हम लोग प्रवेश किए एगन सी से, और ये है आपका एगन सी से प्रवेश कर, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग प्रवेश किया, सी ऑफ मरमरा से फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रवेश किया, दिस इज इस्तानबुल, इस्तानबुल के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं रास्ता जा रहा है, ये है स्ट्रीट, ठीक है। कौन सा स्ट्रीट है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये स्ट्रीट का नाम आइडेंटिफाई करना है। इस्तानबुल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से इंटर किए और ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, दिस इज ब्लैक सी, दिस इज
ब्लैक सी, ठीक है, ये ब्लैक सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज ब्लैक सी। अगर हम लोग बात करें, दिस इज ब्लैक सी, देख सकते हैं ये ब्लैक सी है, ठीक है। फिर इधर के बाद हम लोग यहाँ पे इंटर किए ब्लैक सी से, फिर हम लोग इधर, ये क्रेमिया है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्रेमिया है, ध्यान रखते हुए चलेगा, जिस पर रसिया के द्वारा, ये पावर हाउस था पूरा आपका यूक्रेन का, जो कि 2014 में हथियार लिया गया था रसिया की तरफ से, मतलब एक तरह से यूक्रेन ने ही दे दिया था कि जब सब चीज़ एक ही करना है, साथ रहना है, तो रसिया तुम ही ले लो। तो यहाँ पे पूरा पावर हाउस है जो कि रसिया के कब्जे में है। फिर इधर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दी ये है सी ऑफ अजोव, क्या नाम है इसका, दिस इज सी ऑफ अजोब, देखिए आपको सी ऑफ अजोब, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रास्ता के थ्रू हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये यूक्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पूरा यूक्रेन आप देख सकते हैं, ये पूरा यूक्रेन का एरिया है, ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया है, ये ध्यान रखिए, ये लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डिवाइड कर रहा है यूक्रेन, ये यूक्रेन को यहाँ पे क्रीमिया से, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये रेड लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर यहाँ से यूक्रेन स्टार्ट हो जाता है, ये यूक्रेन पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कीव, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कीव, यहाँ का कैपिटल आप देख सकते हैं कीव, और यहीं पे बगल में क्या है, यहाँ पे बूचा है, जहाँ पे ये नरसंहार हुआ है, इस जगह पे ये बूचा है, ये ध्यान रखते चलेगा, इसी जगह पे ये नरसंहार हुआ है, और इसी से रिलेटेड ये आपका मीटिंग यहाँ पे चल रही है। क्लियर हो गया, लोकेशंस क्लियर हो गया, बूचा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेलारूस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पोलैंड देख सकते हैं, ठीक है, रोमानिया आपको नीचे देखने को मिलेगा, सर्बिया देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रीमिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और इधर आप इधर देखने को मिलेगा रसिया वाला इस एरिया, तो वहीं यहाँ पे देख सकते हैं रसिया के द्वारा, रसिया को सस्पेंड कर दिया गया राइट काउंसिल से, ह्यूमन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से इसको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया, और यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे मीटिंग उसी को लेकर के हो रही है, और भारत किसका पक्ष ले रहा है, भारत यहाँ पे फिर क्या कर दिया, भारत क्या हो गया, जैसा कि पीछे हट गया वोटिंग को लेकर के, वोट को लेकर के UNGA में वोट को लेकर के भारत जो है वो आपका पीछे हट गया है, उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं रसिया के मेंबरशिप टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेकर के बात की जाए, उसकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई है, जो कि 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसको लेकर के सस्पेंड कर दिया गया थर्सडे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से, जो कि 93-24 यहाँ पे 93 में से यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 यहाँ पे जो है बेसिकली 93 लोग उसके अगेंस्ट में वोट किए हैं, 24 अभी आप देख सकते हैं 58 एब्सटेंड कर दिए हैं वोटिंग करने से इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, 93 उनके अगेंस्ट में है, 24 उनके फेवर में, 58 ने वोट ही नहीं किया इंक्लूडिंग इंडिया, ताकि यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाए मॉस्को को फ्रॉम यूएन बॉडी से। तो ये उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है। देखिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात कही जा रही है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे भारत में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, हमारा खुद का अधिकार बहुत सारे आप देखने को मिलेगा, जिसको हमारे, चलिए बताइएगा आपका होमवर्क है, देखिए मैंने मैंने एक होमवर्क दे दिया आपको, ये दूसरा नंबर होमवर्क है, मैप वाला क्वेश्चन दिया आपको, याद रखिएगा हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट को किस भाग में रखा गया, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा, अनुच्छेद के बारे में बताना है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद में विवरण है वो आपको बताते हुए चलना है, ठीक है, और यहाँ पे राइट टू लाइफ जो है वो किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया ये आपको बताना है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, देख सकते हैं ये सारे राइट्स हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, जो कि एक मानव का अधिकार होता है। अगर हम लोग बात करें तो इसको लेकर के एक दिवस भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कब सेलिब्रेट करते हैं, विश्व मानव अधिकार दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कहा जाता है इसमें आप देख सकते हैं, हर साल इसको 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 2021 में लास्ट इसको सेलिब्रेट किया गया था, इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट करके यहाँ पे डिक्लेरेशन को पास करके यहाँ पे किया गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर के अडॉप्ट करके यहाँ पे ये 1948 में ये आपका बेसिकली ये अधिकार को यहाँ पे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं UDHR एक मील का पत्थर दस्तावेज है, जो उन अधिकारों की घोषणा करता है जो हर किसी को एक इंसान के रूप में हकदार देता है, चाहे उनकी जाति रंग धर्म आदि कुछ भी क्यों ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नरसंहार, ये जो मसाकरे है ये मसाकरे साफ साफ यहाँ पे सस्पेंड करवाता है रसिया को लेकर के, ये मसाकरे हुआ उसके बाद भी बहुत सारे देश जो है वो आपके क्या है रसिया के अगेंस्ट में वोट नहीं दिए, वो इन वोटिंग से दूर रहना भी सहमत समझे, और लास्ट
या जो इसका जो बेसिकली थीम था अभी रिसेंट में, जो दिसंबर में ये दिवस सेलिब्रेट किया गया, इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे समानता को लेकर के बात की जा रही है, असमानताओं को कम करने की बात की जा रही है, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि इस वर्ष का यहाँ पे थीम है। और यहाँ पे मानव के अधिकार तो दूर की बात है, यहाँ पे नरसंहार जेनोसाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पे एक बहुत ही निंदा की बात है, जो कि मिलिट्री के द्वारा, रशियन मिलिट्री के द्वारा यहाँ पे की गई है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे भारत क्या हो या विश्व के समाज में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने मासूमों की जान गई है वहाँ पे इस तरह से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि यूक्रेन के कैपिटल के बगल वाला शहर में, आपको बूचा में ये हुआ है, ये ध्यान रखिएगा रिसेंट में, ठीक है। तो इसी को लेकर के आपका बात कर रहा है यहाँ पे, एवरी ह्यूमन हैज राइट, चाहे वो कोई भी मिनो ह्यूमन क्यों ना हो, उन सभी का यहाँ पे अधिकार है कुछ ना कुछ, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ये ध्यान में रखते चलेगा। ये सारी बात यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि एक निंदनीय एक्टिविटी हुई है रशिया के मिलिट्री आर्मी के द्वारा, ये ध्यान में रखते हो चलेगा, ठीक है। उसी को लेकर के आपका न्यूज़ था। तो अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूक्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहीं पे कीव है, यहीं पे बूचा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। बगल में आपको रसिया देखने को मिलेगा, रसिया आप देख सकते हैं, रसिया पूरा कवर है, मैंने आपको यहीं, ये क्रीमिया है, यहीं से तो हम लोग गए थे, यहाँ से गए थे, यहाँ पे एगन सी से होकर के सी ऑफ अजोब यहाँ पे हम लोग गए थे, यूक्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ्स आपके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये पीडीएफ बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर की क्लास सुबह 11 बजे होती है, करंट अफेयर्स के क्विज़ यहाँ पे आपका टेस्ट होता है 11:45 पे, और यहाँ पे रात के 10 बजे आपका द हिंदू होता है। ये तीनों पीडीएफ आपको महीने में सिर्फ आपको 299 पे करना है, और पूरे मंथ का डेट वाइज ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिहार न्यूज़ का भी डेट वाइज आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, इसको सिर्फ मंथली प्राइस, नॉमिनल प्राइस 149 पर मंथ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे 67 बीपीएससी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करेंट अफेयर होने जा रहा है। फेबररी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेबररी से आपका अक्टूबर 2021 तक का करेंट अफेयर का नोट्स है विथ एमसीक्यू, ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 399 ओनली, और ये आज से स्टार्ट हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन बीपीएससी को लेकर के यहाँ पे टारगेट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 199 ओनली है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको पीडीएफ्स यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इस पीडीएफ की किसी को भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, वहीं पे आपको पेमेंट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कैसे आपको पेमेंट करना है, और वहीं पे फिर आपको ये पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक वुमेन को यहाँ पे कंफर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, सेनेट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो जैक्सन वॉज अप्रूव्ड बाई ए वोट ऑफ 53-47 विथ 3 रिपब्लिकन्स इन हर फेवर, रिपब्लिकन्स भी इनके फेवर में है, 3 रिपब्लिकन्स इनके फेवर में है, आप देख सकते हैं अपोजिशन के 3 लोग भी इसके फेवर में, सेनेट के द्वारा कंफर्म किया गया है। केटांजी ब्राउन जैक्सन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्म किया गया, इनको अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये ध्यान रख सकते हैं। एक एक तरह से ऐतिहासिक बैरियर जो है वो यहाँ पे सेटल किया गया, सिक्योर किया गया उनके प्लेस को, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी यहाँ पे इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके इनको वहाँ पे अपॉइंट करने को लेकर के, 51 साल की आपको देखने को मिलेगा कोर्ट जस्टिस में, यहाँ पे 9 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है फेडरल बेंच में, जो कि 53-47 के साथ मोस्टली अलॉन्ग पार्टी लाइन्स के साथ भी 3 रिपब्लिकन वोट भी इनको यहाँ पे मिले हैं अपोजिशन के, जो कि इनको सपोर्ट किए हैं यहाँ पे जज के रूप में नियुक्त होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है। ये ऐतिहासिक मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यूएस के सेनेट के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। प्रिसाइडिंग वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ऑल्सो द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रीच दैट हाई ऑफिस, और इसके अलावा कमला हैरिस भी आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, वो भी उस ऑफिस में पहुंच चुकी है, ये ध्यान रखिएगा, हाई ऑफिस में इनको अपॉइंट किया गया। तो आप देख सकते हैं ये वंडरफुल डे है, जॉयस डे है, इंस्पायरिंग डे है फॉर द सेनेट के लिए, फॉर द सुप्रीम कोर्ट के लिए, एंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, ये यहाँ पे सेनेट मेजोरिटी लीडर चुक स्कूमर के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। जज जैक्सन विल टेक हर सीट व्हेन जज स्टेफन ब्रेयर रिटायर्स दिस समर, तो ये समर में जब स्टेफन ब्रेयर रिटायर होंगे तो उसके बाद जो जैक्सन है यहाँ पे केटन ब्राउन जैक्सन, वो उनकी जगह लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है,
ठीक है, यहाँ पे ये बाइडेन के साथ ज्वाइन किए थे जब वोटिंग हो रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं केतानजी ब्राउन जैक्सन जो बाइडेन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वोटिंग के दौरान, ये बाइडेन के साथ थी। ये ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स से इन्होंने बात किया है, जो स्ट्रगलिंग इन्होंने की है अपने लाइफ में वो इनका रास्ता साफ क्लियर देखने को दिख रहा है, पाथ वाज क्लियर, ये इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। ब्लैक वुमेन को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। 9 साल का एक्सपीरियंस है इनको, 51 ईयर इनकी उम्र है। ब्राउन जैक्सन, केतानजी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुई है, सेनेट के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है। वोट 53 वोट से जीती है, ये ध्यान रखिएगा, और 3 रिपब्लिकन्स जो है वो भी इनके फेवर में रहे हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, डन। एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जज केतानजी ब्राउन जैक्सन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज में ये आपके नियुक्त हुई है, और इस समर ये आपके जज स्टेफन ब्रेयर जब रिटायर होंगे उनकी जगह ये लेंगी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर, डन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यमन प्रेसिडेंट सीट्स पावर टू न्यू काउंसिल, यमन की बात कही जा रही है। ये पहले लोकेशन देख लेते हैं, यमन है कहाँ पे, थोड़ा सा लोकेशन थोड़ा सा ध्यान पे समझते हुए चलेगा। लोकेशंस पूरा मैप आपको, पूरा पृथ्वी आपको घुमा दूंगा, बस आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करनी है। किस जगह के बारे में बात कही जा रही है, पूरा मैप रटवा दूंगा, पूरा वर्ल्ड मैप आपको क्लियर हो जाएगा, बस लोकेशंस को आपको क्लियर करते हुए चलना है। और आपको भी डेली बेसिस पर जो लोकेशन दिखाया जा रहा है उसको जा करके मैप में देखते हुए चलना है। बिहार से हम निकले, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, तो हम गल्फ ऑफ खंबत से निकलते हैं, ये गल्फ ऑफ खंबत है, खंबत की खाड़ी, यहाँ से निकले, यहाँ से निकलेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी। ठीक है, दिस इज अरेबियन सी, अरेबियन सी से फिर हम लोग यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन, यहीं पे गल्फ ऑफ आदेन के ऊपर देखिए, दिख गया आपको, दिस इज यमन, यमन यही लोकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ आदेन के ऊपर में ही आपको यमन देखने को मिलेगा, यमन, इसके बगल में देखिए ओमान आपको दिख रहा है, ओमान, ओमान दिख रहा है आपको, ठीक है, ओमान दिख रहा है ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज सऊदी अरेबिया, ठीक है, देख सकते हैं सऊदी अरेबिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज यमन। ठीक है, लोकेशंस क्लियर हो गया, लोकेशंस क्लियर हो गया, ऊपर से पूरा सेटेलाइट व्यू से आपको पूरा चीज़ दिखा दी है, ये देख सकते हैं, दिस इज यमन। ठीक है, चलिए तो क्या न्यूज़ है यहाँ पे, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी पावर को त्यागा जा रहा है, किसको लेकर के, न्यू काउंसिल को, नए काउंसिल्स को, ये अपने पावर को क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। ठीक है, रियाद वेलकम्स मूव वॉज $3 बिलियन एड, रियाद यहाँ पे $3 बिलियन को लेकर के, यहाँ पे सहायता को लेकर के बात कही जा रही है। यमन्स के प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं अबे द्राबू मंसूर हादी, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा यहाँ पे अपनी सारी पावर यहाँ पे नए लीडरशिप काउंसिल को यहाँ पे दी जा रही है, शेयर की जा रही है। शेकअप इन द कोलिशन बैटलिंग हाउदी रिबल्स एज ए फ्रेजाइल सीज फायर टेक्स होल्ड, तो अभी जो सीज फायर हुआ था हाउदी को लेकर के, उसी चीज को लेकर के ये यहाँ पे अपनी पावर को डिसमिस करते हैं, और ये निराश निराश होकर के अपने 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 सारे कार्य को लेकर के ये अपने रैंक से हट रहे हैं, और ये यहाँ पे सारी पावर जो है वो काउंसिल को दे रहे हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया टेलीवाइज स्टेटमेंट के रूप में, फाइनल डे यमन में इनके द्वारा हेल्ड किया गया, जो कि सऊदी कैपिटल रियाद में हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट इन द फाइनल डे यमन टॉक्स हेल्ड इन द सऊदी कैपिटल रियाद में, जो आपका टॉक्स हुआ था वहीं पे इनके द्वारा बोला गया है, आई इरिवर्सिबली डेलीगेट टू दिस प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल माई फुल पावर, मैं इस अपने सारे पावर को पुनर्स्थापित यानी वापस से मैं काउंसिल को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया के द्वारा यहाँ पे इसको वेलकम किया गया हादी के अनाउंसमेंट को, और इनको प्लेस किया गया 3 बिलियन की सहायता यहाँ पे, $3 बिलियन की सहायता यहाँ पे दी गई है, सपोर्ट किया गया ताकि वो पड़ोसी देश वगैरह को सहायता दे सके, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आई मीन इट टू बी पेड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा ये पे किया गया। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, तो ये याद रखिएगा, अबे द्राबू मंसूर हादी अपनी पावर को यहाँ पे त्याग रहे हैं, न्यू काउंसिल को दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, $3 बिलियन की सहायता इनको दी जा रही है। चंडीगढ़ को लेकर के हमेशा न्यूज़ में अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, पावर को लेकर के, चंडीगढ़ को कौन फाइट कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा को लेकर के यहाँ पे फाइट हो रहा है कि चंडीगढ़ में अधिकार मेरा है। ठीक है, 60-40 का रेशियो बेसिकली देखने को मिलेगा, तो हरियाणा चाहता है कि चंडीगढ़ उसके पास चला जाए, पंजाब चाहता है चंडीगढ़ उसके पास चले जाए, जबकि चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो सिटी शुड गेट इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक, ये शहर को खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए, विधानसभा चाहिए, विधानसभा मतलब इसको राज्य का दर्जा मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है,
जैसे आप दिल्ली का देख सकते हैं ना, दिल्ली दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में देखिए, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे विधानसभा है। तो दिल्ली पुडुचेरी की तरह ही ये अपने पावर को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पे रिजोल्यूशंस भी पास किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पूछे जाता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री शासन आपका है, ये बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में कुल आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और 8 में से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री शासन आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पे मुख्यमंत्री शासन है वो कौन सा है? एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ना, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा, बाकी जगह पे केंद्र शासित प्रदेश का शासन है, यानी प्रेसिडेंशियल, वहाँ पे सारी पावर्स आपके सेंटर वहाँ पे रूल करता है। तो यही इसी तरह के पावर यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाह रहा है चंडीगढ़ भी। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ये चंडीगढ़ या ना ही हरियाणा में मिलना चाहता है, ना ही पंजाब में मिलना चाहता है, दोनों के बीच में ये बॉयल हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इमोटिव इशू यहाँ पे सराउंड किया गया टेरिटरी को लेकर के, चंडीगढ़ के खास करके। यहाँ पे रिमेन्स ऑन द बॉयल बिटवीन, हमेशा ये विवाद में रहता है चंडीगढ़ हमेशा पंजाब हरियाणा को लेकर के। तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा थर्सडे को ये बोला गया है कि वो उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है, ये बोला गया कि सिटी को शुड रिमेन अ यूनियन टेरिटरी, सिटी एक यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। एक रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया स्पेशल मीटिंग करने के बाद, जहाँ पे बोला गया है मेयर सरबजीत कौर के द्वारा, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उसी चीज़ को लेकर के इस रिजोल्यूशन में जो बोला गया है कि इसकी खुद की विधानसभा होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अपनी पॉलिसीज को खुद बना सकता है। ठीक है, बीजेपी के 13 काउंसलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 35 मेंबर देखने को मिलेंगे, आम आदमी पार्टी देखने को मिलेगा 14, ठीक है, कांग्रेस के 7, शिरोमणि अकाली दल के 1 है। आप यहाँ पे रिजोल्यूशन यहाँ पे इन सभी के द्वारा पास किया गया है। बीजेपी काउंसलर वी आर प्रेजेंट इन द हाउस, बीजेपी काउंसलर भी वहाँ पे हाउस में प्रेजेंट है। और सेंटर शुड इंटरवीन एंड डायरेक्ट द हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट टू डेवलप देयर ओन इंडिपेंडेंट कैपिटल सिटीज, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है इस रिजोल्यूशन को पास करके कि हरियाणा और पंजाब खुद का कैपिटल बना ले, अब चंडीगढ़ कैपिटल नहीं रहेगा, चंडीगढ़ अपना खुद विधानसभा यहाँ पे स्टैब्लिश करने जा रहा है। उस संकल्प को लेकर के यहाँ पे इसको पास किया गया है। पंजाब और हरियाणा बोथ स्टैक्ड क्लेम्स ओवर द ज्वाइंट कैपिटल बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन असेंबली, खुद के असेंबली में यहाँ पे खुद के द्वारा यहाँ पे ज्वाइंट कैपिटल यहाँ पे पास किया गया है स्टेक को लेकर के, कि हमारा कॉमन कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनके खुद के कैपिटल्स को लेकर के अब यहाँ पे इस रिजोल्यूशन के तहत ये बात कही जा रही है। देखिए, दो बातें यहाँ पे कही जा रही है, ये जो रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया है इसमें ये बोला गया है पास करके कि एक तो हमारे खुद की विधानसभा होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, जैसे दिल्ली की है, जैसे पुडुचेरी की है, और दूसरी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट खुद के कैपिटल डायरेक्ट डेवलप करें, डेवलप देयर ओन इंडिपेंडेंट कैपिटल सिटीज। वो ये दूसरी चीज़ें यहाँ पे बात कही जा रही है कि सेंटर शुड इंटरवेन, सेंटर को इसमें हस्तक्षेप करें और डायरेक्ट करें दोनों सरकार को, हरियाणा और पंजाब दोनों को, कि वो अपने कैपिटल खुद डेवलप करें, ये यहाँ पे इस रिजोल्यूशंस में बोला जा रहा है, ये ध्यान में रखते चलेगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क नंबर तीसरा, तीसरा होमवर्क बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट चाहिए कि दिल्ली जो है वो भारत का कैपिटल कब बना, भारत का कैपिटल कब बना, कैपिटल कब बना वो आपको बताना है। ठीक है, कब बना दिल्ली को भारत का राजधानी कब बनाया गया वो आपको बताना है, और कैसे बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या हुआ था उस टाइम पे, किस किस दरबार का आयोजन किया गया था, और किसके द्वारा इसको पास करके दिल्ली को भारत का राजधानी यहाँ पे स्थापित किया गया, शिफ्ट किया गया, वो आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चंडीगढ़ लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, एक बार लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, एकदम हरियाणा के एकदम यहाँ पे देखने को मिलेगा, एकदम पूरा राइट राइट एंड की तरफ में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज हरियाणा, ऊपर पंजाब, और बीच में ये बॉर्डर में आपका चंडीगढ़ पड़ता है। ठीक है, वहीं आप देख सकते हैं, इसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अगला यहाँ पे बात कही जा रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के, है ना, बहुत जगह चाइल्ड जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, या फिर कहीं पर भी मतलब कोई अगर हम बात करें कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि पब्लिक को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, गवर्नमेंट टू पार्टनर विथ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनर हो करके प्लान कर रही है, ताकि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 यहाँ पे डेवलप किया गया, एमएचए के द्वारा 112 हेल्पलाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है पार्टनर होने का प्राइवेट सेक्टर को लेकर के, वॉलेंट्री ग्रुप्स को लेकर के, एक स्कीम को यहाँ पे निकालने को लेकर के कि किस तरह से हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकें ताकि वो कहीं पर भी मिस ना हो सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। उनके द्वारा एक ड्राफ्ट गाइडलाइन यहाँ पे जारी किया गया था, मिशन वत्सल्य स्कीम के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये सजेस्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। 18 अप्रैल 2022 को यहाँ पे सजेशन दिया जाएगा, ठीक है, सजेशन दिया जाएगा मिशन वत्सल्य को लेकर के। ये जरूरी भी है ताकि हम उसको रिनेम कर सके प्री एग्जिस्टिंग स्कीम में, जिसका नाम था पहले क्या, चाइल्ड प्रोडक्शन सर्विसेज, और इसमें चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज भी इंक्लूड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है ना। बच्चे कल्याण सर्विस की बात यहाँ पे कही जा रही है। टू इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन पब्लिक का बिना देखिए, जब तक जन जन भागीदारी यहाँ पे नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएगी। इसको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन जन भागीदारी इंक्लूड होने के बाद, इसमें इन्वॉल्व होने के बाद, इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम लगेगा। रिसोर्सेज बहुत सारे यूटिलाइजेशन हमें करने हैं ताकि हम इस मिशन को सक्सेस कर सकें। सोसाइटी की ज़रूरत हमें पड़ेगी, लोगों के ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इस मिशन को में हम पार्टिसिपेट ले सकें और इंकरेज किया जा सके इस मिशन को एक सिस्टमेटिक और एक प्लान्ड तरीके से, ताकि इस तरह के ड्राफ्ट को यहाँ पे गाइडलाइन को यहाँ पे पास किया जा सके। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये भी बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया, भारत स्काउट एंड गाइड जैसे एनएसएस वॉलेंटियर्स देख सकते हैं, नेहरू युवा केंद्र देख सकते हैं, बहुत सारे एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आइडेंटिफाई किया गया इस तरह के काम में इन्वॉल्व को लेकर के बात कही जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे चाइल्ड प्रोडक्शन इंक्लूड सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोडक्शन सच एज दोज अबेंडेंट और फेंड और मिसिंग, जो लोग मिसिंग है या फिर जो बेसिकली अकेले हैं, जो बेसिकली आपके जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उन सभी को यहाँ पे सेव किया जाएगा। उन सभी को लेकर के यहाँ पे उनके उनके फ्यूचर को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, उनके उनके न्यूट्रिशन को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है, जिस पे ये आपका वर्क करेगा। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केयर में, ताकि उसको स्पॉन्सर किया जा सके और वहाँ पे बच्चों को किस तरह से उसका केयर किया जा सके, उसको अडॉप्ट किया जा सके, उसके फ्यूचर्स को सही किया जा सके, उसको लेकर के बात की जा रही है, जब तक कि वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया 1098 को लेकर के नेशनल हेल्पलाइन नंबर है चिल्ड्रन के लिए। तो अगर किसी भी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी भी मिसिंग चिल्ड्रंस को लेकर के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 112 यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने को लेकर के, किसी तरह का मेडिकल इन्फॉर्मेशन इमरजेंसी प्रोवाइड करने को लेकर के, वुमेन सेफ्टी को लेकर के प्रोवाइड करने को लेकर के, ये चाइल्ड राइट्स को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी तरह के कोई भी मिसिंग चिल्ड्रन को अगर आप देखते हैं तो आप इस नंबर पर जरूर अवश्य अपडेट दें ताकि उन तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सके, उनको एक प्रॉपर केयर दिया जा सके, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी भी एक्स ई क्या है, एक कोविड वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एडवांस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो कि 10% ज़्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक्स ई वेरिएंट, जो कि कहाँ पे आपको डिटेक्ट किया गया है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है, महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट रिपोर्ट किया है कि एक केस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया एक्स ई वेरिएंट को लेकर के कोविड-19 का। ये स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री राजेश तोप्पे के द्वारा थर्सडे को ये बात कही जा रही है कि उनके पास कन्फर्मेशन एक काउंट आपको देखने को मिलेगा और टू रिसीव एंड यहाँ पे अभी तक कन्फर्मेशन काउंट यहाँ पे मिल गया एक्स ई वेरियंट को लेकर के, लेकिन अभी तक सेंटर के तरफ से कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है। सेंटर डिनाई कर रहा है कि इस तरह के कोई भी केसेस भारत में नहीं है। एक्सेंट वेरिएंट जो है वो 10% ज्यादा संक्रमक आपको देखने को मिलेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के, जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कहा जा रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एनीवन समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है सारी चीजें, समझ में आ रही है सारी चीजें। देखिए चीजों को समझते हुए चलिए, चीजों को समझते हुए चलिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो जरूर वहां पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेल पे आप बता सकते हैं, मेल आईडी है वहां पे, आपको सारी चीजें अपडेट भी कर दी जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो जरूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। और सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के भी बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पे कवर किए जाते हैं, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात की जा रही है। देखिए स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके तरफ से यहाँ पे कंफर्म किया गया कि यहाँ पे केसेस को लेकर के, लेकिन यहाँ पे सेंटर की तरफ से डिनाई किया जा रहा है एक्सई वेरिएंट को लेकर के। एक्सई वेरिएंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सई वेरिएंट जो कि अभी तक कोई भी रिसीव नहीं किया गया, ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। ठीक है, सिंस वी हैव नॉट रिसीव्ड अ कन्फर्मेटरी रिपोर्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, यहाँ से कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कन्फर्मेशन रिपोर्ट नहीं आया है एनआईबी की तरफ से, महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक सेंटर ने कन्फर्म नहीं किया है। वी विल टॉक मोर अबाउट इट इन डिटेल आफ्टर गेटिंग कन्फर्मेटरी रिपोर्ट्स, जब तक ये रिपोर्ट्स कन्फर्मेटरी रिपोर्ट्स ना आ जाए तब तक हम लोग इसके ऊपर अभी डिटेल में बात नहीं कर सकते, हम लोग वेट कर रहे हैं उस रिपोर्ट का। यहाँ पे बोला गया है एक वुमेन है जो कि बेसिकली 50 ईयर ओल्ड है, जो कि अभी साउथ अफ्रीका नेशनल में रिसेंट में विजिट करके आई थी फरवरी में, उनमें ये डिटेक्ट किया गया। ठीक है, 27 फरवरी को टेस्ट किया गया था उनको एंड वो पॉजिटिव पाई गई थी, उसके लैब सैंपल में गए थे, है ना, कस्तूरबा हॉस्पिटल सेंट्रल लेबोरेटरी फॉर WGS यहाँ पे इनके, और यहाँ पे पाया गया कि न्यू एक्सी वेरिएंट जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था। ये ग्लोबली यहाँ पे बात की जा रही है SARS-CoV-2 को लेकर के, तो न्यू वेरिएंट जो है वो बहुत कम्बिनेशन है BA.1 और BA.2 स्ट्रेन का, ओमिक्रॉन का, और ये माना जाता है प्राइमरी रिपोर्ट्स में कि ये जो है वायरस ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा संक्रामक होने जा रहा है। ठीक है, ये भी बोला जा रहा है कि एविडेंस डिड नॉट सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ एक्सी वेरियंट ऑफ कोविड-19 एंड रिफ्यूटेड मीडिया रिपोर्ट, मतलब अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, ये ध्यान रखते चलेगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क था, कल के क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दे दिए गए, ये ध्यान रखिए कल के क्वेश्चन का आंसर है। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ ऑन द नील, अगाथा क्रिस्टी फेमस मर्डर मिस्ट्री इज नाउ अवेलेबल टू स्ट्रीम, हाउ वेल डू यू नो द क्वीन ऑफ क्राइम। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे अगाथा क्रिस्टा रिचर्ड एटनबरो एट ए सेलिब्रेशन पार्टी का आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इवेंट वेर दे सेलिब्रेटिंग, कौन सा इवेंट में ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हुए चलना है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है। आंसर्स करें, आंसर्स करें, बहुत कम लोग आंसर करते हैं, है ना, बहुत कम लोग आंसर करते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर मैं बात करूँ कल के डेट का, कल के डेट का द हिंदू की अगर मैं बात करूँ, तो जो आंसर्स आए थे, देखिए आंसर्स बहुत कम लोगों के द्वारा आ रहे हैं, मैं अनाउंस कर देता हूँ नाम जिसके द्वारा आंसर आए हैं कल के डेट में। कल के द हिंदू जो मैंने आपको कवर कराया था उसमें सिर्फ 3-4 लोग ही आंसर दिए थे, अगर मैं बात करूँ 3-4 लोग ही आंसर दिए थे, और उनमें से आप देख सकते हैं कृष्ण मोहन झा हमेशा रेगुलर बेसिस पे आंसर करते हैं, पूजा कुमारी, बबीता सहनी, इन लोगों के द्वारा बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आंसर आता है। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, वही मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछें, जैसा होगा बता आपको गाइड किया जाएगा, लेकिन कम से कम आप पूछे तो कि हाँ कि क्या नहीं समझ में आ रहा, तो उसी हिसाब से फिर मैं भी उसी हिसाब से आपको और क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलॉन मस्क को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, इनको सीट ट्विटर बोर्ड पे, ये कंफर्म कर दिया गया है, ट्विटर बोर्ड पे कंफर्म कर दिया गया है इनको सीट्स को लेकर के। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेक को लेकर के, ट्विटर में इनका कितना स्टेक है, ट्विटर में 9.2% स्टेक यहाँ पे अभी हम लोगों ने कंफर्म किया है ना कि इनका इनका स्टेक है, जो कि हम लोगों ने लास्ट 2 डेज से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर भी रहे हैं, लास्ट 2 डेज से इसके बारे में डिस्कस कर भी रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी मेंबर हैं। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हुए चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के। इनके पास कितनी कितने 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 की कंपनी है, कितने की शेयर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके पास शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए तो इलॉन मस्क के द्वारा मंडे को यहाँ पे 9.2% स्टेक देखने को मिलेगा, ट्विटर में है, यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज फिलिंग में ये बात पता चला है, 73.5 मिलियन का यहाँ पे शेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इलॉन मस्क के पास है, सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का, जो कि 14 मार्च को यहाँ पे कंफर्म किया गया है अनाउंसमेंट, यहाँ पे कंपनी शेयर्स की तरफ से 27% का न्यू ईयर स्टॉक एक्सचेंज के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्क के पास जो स्टेक है वो आपका $2.9 बिलियन का है, ये क्लोजिंग प्राइस में ये पता चला है। ठीक है, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक, अगर हम लोग बात करें 14 मार्च को यहाँ पे देखने को मिला था इलॉन मस्क के पास 73.5 मिलियन शेयर्स आपको ट्विटर के देखने को मिलेंगे, और ट्विटर का लार्जेस्ट शेयर होल्डर किसके पास है, तो आज के डेट में ट्विटर का लार्जेस्ट शेयर होल्डर एलॉन मस्क के पास है, ये ध्यान रखिएगा एलॉन मस्क के पास है। ठीक है, कंपनी को फाउंडर एंड फॉर्मर CEO ऑफ जॉर्ज जैक टेल्सी से ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिस्टर मस्क हैड वेड अप द प्लेटफॉर्म कंपनी टू फ्री स्पीच ऑन मार्च 24, ही ट्विटर आस्किंग वेदर द प्लेटफॉर्म रिग्रेसली अडेयर्स टू फ्री स्पीच, ओवर 70% ऑफ द 2 मिलियन यूजर्स क्लिक्ड नो, तो इनके द्वारा ट्वीट किया गया था, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
ये प्रीलिम्स को लेकर के आपका टारगेट कर रहा है, फोकस कर रहा है आपको, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स को लेकर के आपका टारगेट कर रहा है, फोकस कर रहा है, एक एक करके सारे न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिख पिलग्रिम की बात की जा रही है, 2200 आप यहाँ पे देख सकते हैं वीसा इशू हुआ है पाकिस्तान हाई कमीशन को लेकर के, सिख पिलग्रिम्स को लेकर के जो कि इंडिया से जाते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान वहाँ पे जाते हैं, ये दोनों के तरफ से एक प्रोटोकॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, द्विपक्षीय विजिट यहाँ पे किया गया, धार्मिक श्राइन को लेकर के सिख और हिंदू पिलग्रिम जो है या जो यहाँ से जाते हैं शरणार्थी इंडिया से पाकिस्तान विजिट करते हैं हर साल, पाकिस्तानी पिलग्रिम ऑल्सो विजिट इंडिया एवरी ईयर अंडर द प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल के तहत बायलेटरल प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी भारत विजिट करते हैं, पाकिस्तानी कमीशन के द्वारा ये वीज़ा जो है वो इशू किया जाता है ऑन द ईव ऑफ बैसाखी सेलिब्रेशन, तो बैसाखी सेलिब्रेशन को लेकर के ये त्यौहार को लेकर के ये पार्टिसिपेशन दे सके दोनों कंट्रियों के रिलीजियस पीपल एक दूसरे देश के जाकर के, तो उस समय ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200 भी नंबर ऑफ वीज़ा इशू किए गए हैं सिख पिलग्रिम्स को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। इनर्जी सोर्सेस इन यूके, यूके की अगर बात करें तो 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे बिल्ड किए गए हैं ब्रिटेन में, ताकि विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, और डिपेंडेंसी जो है वो रशिया के ऊपर कम हो सके नेचुरल गैस को लेकर के, उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बोला गया ट्रिपल न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 गीगावाट का 2050 तक डेवलप करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी सोर्सेस इन यूके में की बात यहाँ पे की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकमिंग हायर इन ब्रिटेन विथ एन इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस, जब तक एनर्जी की प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कॉस्टिंग जो होगी वो भी आपकी बढ़ती जाएगी ब्रिटेन में, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अगला अगर हम लोग बात करें वल्नरेबिलिटी टू फायर्स की बात की जाए, 30% आपको भारतीय के जिले हैं वो आपके फॉरेस्ट फायर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि इंक्लूडेड है, ये स्टडी बताया गया है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट वाटर की तरफ से रिवील किया गया थर्सडे को, CEEW की तरफ से वार्न किया गया है जंगल में आग को लेकर के जो कि 10 गुना बढ़ चुका है लास्ट दो दशक में, लास्ट दो दशक की बात करें तो वो 10 गुना ये आपका बढ़ गया है, ये आपका ऐसे ही हवा में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत जगह पे आपके जंगल में आग लगे हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे सबसे हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर आपको देखने को मिला है जो कि वहाँ के जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। ये लास्ट मंथ की बात करें तो जंगल में आग लगा था ये भी रिपोर्ट किया गया है उत्तराखंड में, खास करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो 30% आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका फॉरेस्ट फायर को लेकर के ये आपका जूझ रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ये केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है डन डन, उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है क्लियर। चलिए यहाँ पे 10 पावर सेक्टर्स रिफॉर्म्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ पे 28,204 करोड़ यहाँ पे 10 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा जो उधार लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए ताकि वो पावर सेक्टर को स्थापित कर सकें, ये बात किसके द्वारा कही जा रही है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे रिसीव किया गया परमिशन को लेकर के ताकि वो उधार जो बोरो किए हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे स्टेट है जिनके द्वारा यहाँ पे बोरो किया गया 28,204 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में ताकि वो अपने एरिया में पावर सेक्टर को डेवलप कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे ग्रांट करता है ताकि अपने स्टेट्स में वो इकोनॉमिकली इफिशियंसी सेक्टर्स और ऑपरेशन को स्थापित कर सके, ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। फॉरेन डिग्नेटरीज की बात यहाँ पे कही जा रही है, 102 नंबर ऑफ विजिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉरेन डिग्नेटरीज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट 2 ईयर्स अकॉर्डिंग टू डिटेल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द राज्यसभा ऑन थर्सडे, 102 यहाँ पे विजिट हुए हैं, आवाजाही हुआ है फॉरेन को लेकर के बात की जा रही है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वी मुरलीधरन प्रोवाइडेड अ डिटेल लिस्ट यहाँ पे फॉरेन डिग्नेटरीज को लेकर के जो कि विजिट किए थे जनवरी 2020 में और मार्च 2022 में, प्रेसिडेंट हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडेड पोर्तुगाल्स मार्सेलो रेबेलो डी सोसा एंड ब्राजील जेर बोल्सोनारो, ये सारे लोग यहाँ पे डिटेल में बात की गई, 102 यहाँ पे नंबर ऑफ विजिट्स हुए हैं उसको लेकर के बात, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है ये ध्यान रखते हुए चलेगा, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, आज के डेट में बस ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस,
प्राइसेस आप देख सकते हैं, फ्यूल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस आप देख सकते हैं, फाइव स्टेट में खास करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। क्रूड ऑयल रिमेन हाई एंड रिटेल प्राइसेस आर नॉट येट एज हाई एज देवर बिफोर बिकॉज द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वॉज कट इन द नॉर्मल धोजाई केस। नॉर्मल धोजाई केस में बेसिकली एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे कट कर दी गई थी, जिसको लेकर के जितना एक्सपेक्ट करना चाहिए बढ़ने को लेकर के उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं फ्यूल को लेकर के। ये आपको चार्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे लास्ट 17 दिन में। लास्ट 17 दिन की बात अगर हम लोग करें, देखिए यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं प्राइसेस, देखिए 21 मार्च 2022, ठीक है, और यहाँ पे 21 मार्च 2022 और यहाँ पे 7 अप्रैल, देख सकते हैं आपके सामने 21 मार्च में 95 रुपये 41 पैसा था, आज आप देख सकते हैं 7 अप्रैल को 105 रुपये 41 पैसा हो गया है। 138 दिनों में ये प्राइस आपका बहुत ज़्यादा लिफ्ट हुआ है, 10 रुपये प्रति लीटर ये आपका बढ़ चुका है, ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिल्ली का प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे चार्ट टू में बैरल को लेकर के बताया गया है, डॉलर में आप देख सकते हैं, डॉलर में यहाँ पे 1 अगस्त 2021 से 4 अप्रैल तक का प्राइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए जो जो दीपावली के पहले ये क्रूड प्राइस जो आपके थे वो बढ़ रहे थे घट रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये आपका स्लाइट इंक्रीज ही हो रहा है, अब तो घट ही नहीं रहा, ये तो बढ़ रहा है, 100 मार्क को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 2021 की बात करें तो 73 रुपये 43 पैसा था, ये फिर बढ़ करके आप देख सकते हैं आज के डेट में 103 रुपये 48 पैसा हो गया 4 अप्रैल। चार्ट थ्री की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज रेट को यहाँ पे देखा गया है, करंट एक्सचेंज रेट हैज़ क्लाइम डाउन फ्रॉम द पीक, इट इज स्टिल है, लेकिन फिर भी ये डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये 74 रुपये 39 पैसे से आप देख सकते हैं अगस्त 2021 में था, 6 अप्रैल को इसका रेट जो है वो 75 रुपये 60 पैसे है। चार्ट चार में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हैं पर बैरल को लेकर के, यहाँ पे 5462 रुपये था, या अगस्त 2021 में 7 अप्रैल को यहाँ पे देख सकते हैं पर बैरल रुपीज़ जो है वो 7801 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। चार्ट फाइव की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगस्त 2021 में 101 रुपये 84 पैसा था, जो कि अब यहाँ पे आज के रेट में 105.41 पैसा हो गया है। दिल्ली में पर लीटर यहाँ पे आपको प्राइस का पेट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बढ़ा हुआ आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेवल को क्रॉस किया नवंबर 2021 से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके रेंज जो है वो बहुत हाई हो रखे हैं, 109.69 तक था उस टाइम पे नवंबर में, आप देख सकते हैं उसी को लेकर के, ये घटा भी था जनवरी फरवरी में, लेकिन फिर ये आपका बढ़ गया है। तो ये सारे आप देख सकते हैं प्राइस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं पेट्रोल को लेकर के, उसी को लेकर के ये बात यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है। यहाँ पे एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं मेहनत का एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, डेली वेजर कहाँ का है, असम का है, जिसके द्वारा स्कूटी खरीदा गया है, उन्होंने क्वाइंस को सेव करके देख सकते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टू व्हीलर्स भी कैश डाउन में पे कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। डेली वेजर भी यहाँ पे जो ओपन रॉय है उन्होंने भी ऐसे ही किया, क्वाइंस को इन्होंने जमा किया, सेव किया लगभग 10 सालों तक आप देख सकते हैं इन्होंने क्वाइंस इन्होंने सेव करते हुए चले, और टू व्हीलर का शोरूम में वो गए हैं गुवाहाटी में, और जहाँ पे उन्होंने मिस्टर रॉय ने वॉक्ड इन विद हिज वाइफ एंड अ बंडल ऑफ क्वाइंस अ कपल ऑफ डेज अगो, यहाँ पे क्वाइंस का बंडल लेकर गए और वहाँ पे इनके द्वारा ये स्कूटर यहाँ पे खरीदा गया, ठीक है। इसकी वाइफ यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू स्कूटर के साथ शोरूम के बाहर में आपको देखने को मिलेगा, शोरूम के बाहर 10 साल तक इन्होंने फीस जमा किया, ये 10 साल तक इन्होंने क्वाइंस को सेव किया, और उससे ये आपके फिर 89,000 का इनके द्वारा ये पेमेंट करके ये बेसिकली क्वाइंस के थ्रू इन्होंने ये पेमेंट किया और इन्होंने ये स्कूटी खरीदी। लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, जो 3 गुना पहले के टाइम पे से ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा उपेन रॉय और उनकी वाइफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। डन, अगला न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वुमेन गिव बर्थ अंडर सेलफोन लाइट एट आंध्र प्रदेश हॉस्पिटल, देख सकते हैं कितना यहाँ पे आप देख सकते हैं, सफरिंग ड्यू टू पावर कट वेंट वायरल, इन्फेंट सफरिंग ड्यू टू पावर कट वेंट वायरल, आप देख सकते हैं बेबी जो है वो डिलीवर हो रहा था नरसिपाटम एरिया हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश में,
अनक्का पल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कैंडल्स के थ्रू, सेलफोन टॉर्च के थ्रू, बैटरी लाइट्स के थ्रू पावर कट हो चुका था उस टाइम पे। वेडनेसडे नाइट को एक बच्चे का जन्म हुआ है। ये इंसिडेंट जो आपको देखने को मिला है वो शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम लोकल पीपल एंड पब्लिक इन द जनरल आफ्टर द वीडियोज ऑफ द इन्फेंट सफरिंग ड्यू टू द पावर कट वेंट वायरल ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ये आपका वायरल हुआ है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ में आपका बन गया है। ये देख सकते हैं पावर कट, यहाँ पे सेवियर इशू यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ हफ्तों से ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, 7 से 10 आवर एक दिन में लाइट जा रहे हैं। वेडनेसडे को भी यही चीज़ हुई थी। यहाँ पे हॉस्पिटल हैड टू बियर द ब्रंट एज इवन द जनरेटर इन द हॉस्पिटल एंड द इन्वर्टर इन द लेबर रूम फेल टू वर्क रिपोर्टेडली ड्यू टू सम टेक्निकल। उस टाइम पे इन्वर्टर भी काम नहीं किया, जनरेटर वगैरह सब फेल हो गए, ये ध्यान रखिएगा। जिसको लेकर के ये आपका बच्चा जो था डिलीवर हुआ कैंडल्स की लाइट से, सेलफोन की टॉर्च से, यह बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से ये आपको हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डॉक्टर डेविड वसंत कुमार के द्वारा ये चीज़ें की गई है, ठीक है ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सेंटर्स के द्वारा स्टैंड सिल्वर लाइन SIA सर्वे। केरल में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट्स, याद आ रहा है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट्स को लेकर के हम लोगों ने बात की थी, याद होगा आपको, यहाँ से विशाखापट्टनम तक, ठीक है। तो केरला के द्वारा यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है, किसको, यहाँ पे सेंटर को कहा है टू स्टैंड को एक्सप्लेन करें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के। सर्वे जो कंडक्ट यहाँ पे किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे जस्टिस डेवन रामचंद्रन के द्वारा ओरली यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया। कोर्ट के द्वारा वांट टू नो वेदर द सेंटर वाज इन फेवर ऑफ द SIA सर्वे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि SIA जो सर्वे यहाँ पे किया गया है किस चीज़ को लेकर के, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के, क्या सेंटर उसको लेकर के सहमत है कि नहीं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है जस्टिस देवन रामचंद्रन को लेकर के ओरली। तो इट वॉज बिंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड डेट इट हैड गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। प्रोजेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर आपका है सेंटर और यहाँ पे स्टेट दोनों के बीच का, 49% शेयर होल्डर सेंटर यहाँ पे दे रहा है। सेंटर को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से भी फायदा मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे सेंटर की भी सहमति होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। कोर्ट में दिस ओरल ऑब्जर्वेशन वेन अ बैच ऑफ रिट पिटीशन चैलेंजिंग द SIA फॉर द प्रोजेक्ट केम अप फॉर हियरिंग। तो यहाँ पे बेसिकली एक रिट पटिशन यहाँ पे दायर कर दिया गया था, उसी को लेकर के यहाँ पे हियरिंग चल रही है। यहाँ पे सेंटर टू क्लैरिफाई वेदर प्रायर इंडिविजुअल नोटिस शुड बी गिवन टू द ओनर्स ऑफ द लैंड वेयर सर्वे स्टोन्स वेयर इरेक्टेड और वेदर एनी पब्लिकेशन ऑफ सच अ नोटिस वाज एनफ। तो यहाँ पे बेसिकली जो रास्ता, जिस रास्ते से ये बेसिकली सिल्वर लाइन होकर के गुजरेगा, उस रास्ते में बहुत सारे इंडिविजुअल यहाँ पे घर वगैरह भी है, जमीन वगैरह भी है लोगों के, क्या उनको चीजें, उनके चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ये बेसिकली हियरिंग चल रही है। एज अ सेंटर वाज एन इक्वल पार्टनर विद इन द प्रोजेक्ट इट वाज आल्सो इट्स रिस्पांसिबिलिटी टू सी दैट इट वाज बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। कानून के तहत सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, ये सेंटर का भी उतना ही दायित्व है जितना स्टेट का ही है। तो ये भी बात यहाँ पे कीजिए, कोर्ट आस्क द सेंटर वेदर द SIA कुड बी कैरिड आउट ऑन द लैंड विच डिड नॉट कम अंडर द प्रपोज्ड अलाइनमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। पूछा जा रहा है कि जो लैंड यहाँ पे निर्धारित किया गया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के, तो वो सेंटर भी उसका सर्वे करे और देखे क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या वो सब इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे लैंड जो है वो सब क्लियरेंस है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही। सेंटर शुड ऑल्सो आंसर वेदर सर्वे कुड बी डन फॉर प्री इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मोर देन 100 करोड़। तो 100 करोड़ के आसपास के लगभग का ये आपका प्री इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के अभी फाइनल अप्रूवल सेंटर की तरफ से रहना बाकी है, उसी को लेकर के हाईकोर्ट यहाँ पे मांग रहा है सेंटर का भी स्टैंड कि ऐसा ही सर्वे आप अपने तरफ से भी कंडक्ट कराएं और जहां जहां से ये आपका सिल्वर लाइन होकर के गुजरेगा वहां वहां किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज तो नहीं है, सभी रोड्स क्लियर है कि नहीं है क्लियर है, तो उसी को लेकर के यहां पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं कूल ब्रेक को लेकर के यहाँ पे बात कही जाए, कूल ब्रेक को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। देख सकते हैं हीट को लेकर के यहाँ पे मंचनबल डैम की बात कही, कहाँ पे, अर्कावती रिवर कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा, अर्कावती रिवर, ठीक है। अर्कावती रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका में है। डैम वाटर इज अ मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द एरिया, तो सिंचाई का यह मेन स्रोत है, ये ध्यान रखिएगा। डैम वाटर 24 मिनिस्टर्स आपको आंध्र प्रदेश कैबिनेट में सबमिट किए रिजिग्नेशन यहाँ के मुख्यमंत्री को, ऐसा क्या हो गया, देखिए ऑल ऑफ देम हैप्पली यहाँ पे पेपर में अपने अपने रिजिग्नेशन यहाँ पे दिए हैं क्या, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को, कैबिनेट मीटिंग जो थर्सडे को हुई थी। ये रिजिग्नेशन क्यों हुआ, ये रिजिग्नेशन जो था वो पहले से ही तय था। यहाँ पे मिस्टर जगन के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया कि जब हम सरकार बना रहे थे तो उस टाइम पे जो कैबिनेट को पहले से बता दिया गया था कि हम आफ्टर 2.5 ईयर्स यानी हाफ जब हमारी सरकार कंप्लीट हो जाएगी तो हम वापस से कैबिनेट का गठन करेंगे,
ये हम दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे, ये पहले से ही बता दी गई थी कैबिनेट्स को जो आज की डेट में रिजाइन दे रही है। तो कैबिनेट के द्वारा शपथ लिया गया था 8 जून 2019 को, और उसके अकॉर्डिंग 2.5 साल यानी 8 दिसंबर 2021 तक उनको क्या करना था, उनका कार्यकाल था। इसी चीज़ को लेकर के, यही सारे रीजंस को लेकर के, ताकि दूसरों को भी मौका दिया जा सके कैबिनेट में बैठने को लेकर के, तो कोविड-19 पैंडेमिक भी यहाँ पे आपको देखने को मिला। कैबिनेट रीऑर्गेनाइजेशन वाट पुट ऑफ इवन पास्ट द ड्यू डेट, तो कैबिनेट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 8 दिसंबर को नहीं हो पाया ये सारी चीज़ें, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो रही है 3 महीने बाद। ये रिपोर्टर्स के द्वारा यहाँ पे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर बोट्सर सत्यनारायण सेठ के द्वारा, चीफ मिनिस्टर हैड ऑलरेडी सेड दैट देयर वुड बी अ कैबिनेट रीशफल आफ्टर 2.5। देखिए जो लोग डिजाइन दिए ना, उनके द्वारा भी ये सारी बातें बोली जा रही कि यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, मोहन जी के द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि हमारा जो कार्यकाल होगा वो 2.5 साल के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा देख सकते हैं रेजिग्नेशन सबमिट करके ये बाहर आ रहे हैं सेक्रेटेरिएट से, सचिवालय से, ये ध्यान रखिएगा। सत्यनारायण के द्वारा कहा गया है कि ये प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्टी के जो पार्टी कहेगी वैसे ही होगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ये डिसीजन यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा मिनिस्टर्स को लेकर के, और फिर से यहाँ पे रिसफल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा 2024 के इलेक्शंस को लेकर के ये सारी चीज़ें की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। ठीक है, तो ये खुशी खुशी ये रिजाइन दिए क्योंकि इनको पता था 2.5 साल तक ये इनका कार्यकाल है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सीट आरजेडी राइजेस स्टालिन बिहार काउंसिल, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधान परिषद का यहाँ पे चुनाव हुआ था। जेडीयू के पास 5, आरएलजेपी के पास 1, बीजेपी विंस 7 सीट्स। तो आइए उसी से रिलेटेड है, अभी आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट अनाउंस किया गया कल के डेट में। तो बीजेपी यहाँ पे 7 सीट जीती है, आरजेडी के पास 6, जेडीयू के पास 5, यहाँ पे आरएलजेपी 1, कांग्रेस 1, इंडिपेंडेंट 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीजेपी 7 -6, आप देख सकते हैं आरजेडी +4 के साथ बढ़ोतरी पे, जेडीयू के पास 3 सीट घट गए, आरएलजेपी 1 सीट आ गया, आरएलजेपी कांग्रेस के पास पहले नहीं थे अभी आ गए, इंडिपेंडेंट के पास भी कुछ नहीं थे आज, आप देख सकते हैं एनडीए के द्वारा बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिजल्ट अनाउंस होने पर यहाँ पे सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की बात यहाँ पे कह, थर्सडे को यहाँ पे अपनी टैली यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विनिंग 6 of the 24 सीट, 24 में से 6 सीट जीत करके इलेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा अप्रैल 4 को। ठीक है, इन द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस द बीजेपी ओन 7 सीट्स, यहाँ पे बीजेपी के पास कितने सीट्स आए हैं, 7 सीट्स आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनता दल के पास 5, एनडीए के पास, एनडीए राष्ट्रपति लोक जनशक्ति लेड बाय यूनियन मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस के पास 1, तो कांग्रेस ऑन 1 सीट, बेगूसराय एंड इंडिपेंडेंट टुक 4, 13 ऑफ द सीट्स वेयर अर्लियर हेल्ड बाय द बीजेपी, 8 बाय द रूलिंग एलआई जनता दल, 2 बाय द आरजेडी एंड 1 बाय द कांग्रेस, तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, तो 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 1, 19, 19 के 21, 20, 4, 24, 24 सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। गेन और लॉस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कितने कितना सीट जीता और कितना सीट हारा, तो पहले 2 था, 4 की बढ़ोतरी, 6, पहले 13 था, 6 खत्म हो गया, 7 बचा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है इनके द्वारा, एनडीए सपोर्टर्स के द्वारा। ठीक है, क्लियर, डन, अरे समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ सारी चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आई है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ ये थोड़ा सा ध्यान देख सकते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेल्टरिंग हीट की बात यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिराज अपियर ऑन राजपथ, मिराज देखने को मिलेगा, मिराज क्या है चलिए बताइएगा मुझे, मिराज क्या है, साइंस का टर्म है ये मिराज, आपको बताना है, राजपथ पे आपको मिराज देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यू दिल्ली में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स कैपिटल रिकॉर्डेड मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में भी पहली बार इस साल आपको देखने को मिलेगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी घोषणा यहाँ पे की गई है। ठीक है, हीट वेव कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, खास करके अप्रैल के मंथ में, तो मिराज यहाँ पे देखने को मिला है, मिराज बताइएगा व्हाट इज मिराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा आज का द हिंदू एनालिसिस था, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए चाहे ज़्यादा, शेयर नहीं करें, देखिए बहुत कम लोग इसको शेयर कर रहे हैं, क्या हो रहा है चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही, अगर नहीं समझ में आ रहा है जहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप पूछे मेरे से, तो आपके डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, आप मुझे अपने डाउट्स यहाँ पे शेयर करें, वहाँ पे आपको मैं रिवर्ट करता हुआ चलूंगा, शेयर करें सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करते हुए चले, ताकि सभी लोग इसको कवर कर सके, द हिंदू एनालिसिस को अपने अकॉर्डिंग लेवल पे सारे लोग इसको कवर कर सके, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा सभी लोगों को, बेल आइकन पर भी क्लिक करा दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल को, ताकि वो रेगुलर बेसिस पर जो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिस भी एग्जाम की
तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारे चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के थ्रू, ताकि वो सारी चीज़ें कवर कर सके। करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ रोज़, करंट अफेयर का द हिंदू एनालिसिस कवर करा रहा हूँ, बिहार न्यूज़ कवर करा रहा हूँ। इसके साथ साथ अब तो मैं आप लोगों का PYQ भी आपका स्टार्ट हो गया आज से, आई होप आप लोगों ने आज उसको कवर किया होगा, ठीक है, और इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा रेगुलर बेसिस पर। द हिंदू तो आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।